नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरआरयू क्लासेस में। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे एमएस एक्सेल कंप्यूटर की क्लास में आ चुके, तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी का। तो हिंदी में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा कर ली थी, हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोगों ने संज्ञा पे बात की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे अगला एक टॉपिक लिंग वचन कारक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सर्वनाम आपका टॉपिक छूट गया है, तो चलिए हम लोग सर्वनाम भी कर लेंगे आउटलुक क्लास में। तो ये पीपीटी लग चुकी है, तो इस पीपीटी को फिनिश कर लेते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे सर्वनाम की। ठीक है, तो लिंग की अगर हम बात करें तो पहचान करते हैं जिन शब्दों से क्या है, अच्छा लगा दे या फिर अच्छी लगा दे, अथवा मेरा और मेरी लगाने पर क्या हो, स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिंग क्या है, जब किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की पहचान हो, किसकी, उसकी जात की पहचान हो, स्त्री या पुरुष होने की पहचान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। जैसे अगर अगर प्राणी स्त्री जाति का बोध कराए तो क्या होगा, स्त्री लिंग के अंतर्गत आएगा, और जो शब्द क्या होंगे, पुरुष जाति के पुरुष जाति का बोध कराएंगे तो कौन से शब्द होंगे, वो पुल्लिंग शब्द होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्री एंड पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उनकी जो पहचान होती है किसके माध्यम से होती है, लिंग के माध्यम से होती है। अगर स्त्री जात का बोध कराएंगे तो स्त्रीलिंग, अगर पुरुष जात का बोध कराएंगे तो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अगर इसकी हमें पहचान करनी है तो हम क्या करेंगे, शब्द में क्या लगा देंगे, अच्छा है क्या लगा देंगे, अच्छा लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, अच्छी लगा देंगे। ठीक है, अच्छी लगा देंगे, और फिर यह है मेरा या फिर मेरी लगा देंगे। ठीक है, मेरा या मेरी लगा देंगे, और इससे लगाने से क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, हमें लिंग की जो शब्द है उसके लिंग की पता चल जाएगा। ठीक है, लिंग के बारे में जानकारी पता चल जाएगा। जैसे क्या है, सड़क है, तो सड़क में अगर हम बात करें क्या है, अच्छा होगा या अच्छी सड़क होगा, तो क्या होगा, अच्छी सड़क होगा, क्या होगा, अच्छी सड़क होगा, तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा, अच्छी सड़क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो क्या होगा, सड़क जो है कौन सा शब्द होगा, स्त्री लिंग हो जाएगा। जैसे पुस्तक है, तो मैंने एक बात की, पुस्तक मेरा लगा दिया, मेरे लगा, तो मेरा पुस्तक होता है कि मेरी पुस्तक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें मेरा पुस्तक, क्या होगा, मेरा पुस्तक। ठीक है, या फिर बात करें मेरी पुस्तक, तो क्या होगा बताइएगा, मेरी पुस्तक हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पुस्तक भी क्या है, स्त्री जाति का बोध कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, पुस्तक भी है जो शब्द है क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। पंखा की अगर हम बात करें, तो पंखा क्या है बताइएगा, अच्छा पंखा होता है कि अच्छी पंखी होता है, पंखा होता है, तो बताइएगा अच्छा पंखा होता है, क्या होता है, अच्छा पंखा होता है, या फिर मेरा लगा देंगे, क्या है, मेरा पंखा या फिर मेरी पंखा, तो क्या होगा, मेरा पंखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्या है, बात करते हैं जिस शब्द के रूप में किसी वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो, जिस शब्द से क्या हो, किसी पुरुष अथवा स्त्री के होने का बोध होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे क्या है, बैल चारा चर रहा है, क्या कर रहा है, बैल चारा चर रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पे क्या है, क्रिया से भी हम पता करते हैं, जैसे यहाँ पे रहा है, तो क्या हो जाएगा, रहा है डिनोट करेगा, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगर यहीं पे क्या होता, राही होता, क्या होता, रही होता, तो क्या हो जाता आपका, स्त्रीलिंग हो जाता। जैसे गाय की हिंदू पूजा करते हैं, गाय की हिंदू पूजा करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हिंदू क्या हो जाएगा बताइएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का क्या है बताइएगा, अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की भी लगा सकते हैं, क्या है, यहाँ पे रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लड़की पढ़ रही, खेल रही है, तो लड़की खेल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छा लड़का होता है, अच्छा लड़का होता है, अच्छी अच्छी लड़की लड़का होता है, तो बताइएगा अच्छा लड़का होगा ना, अच्छा और अच्छी भी लगा सकते हैं। लेखक उपन्यास लिख रहा है, लिखता है, ठीक है, क्या है, लिखता है, तो उपन्यास लिखता है, तो यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग भी किसकी क्रिया से भी किसकी बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है लेखिका निबंध लिखती है, तो लेखिका निबंध लिखती है, तो यहाँ पे क्या है, देखिएगा, निबंध लिखती है, क्रिया से किसकी बात हो रही है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जैसे बूढ़ा आ रहा है, तो बूढ़ा क्या है, आ रहा है, तो यहाँ से किसकी बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। जैसे बुढ़िया रामायण पढ़ रही है, देखिएगा बुढ़िया क्या कर रही है, रामायण पढ़ रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, ठीक है, तो रहा है, तो पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध हम कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है, धोबिन कपड़ों पर स्त्री कर रही है, तो क्या हो जाएगा, रही है। उपयुक्त वर्ग में का वर्ग में अगर हम बात करें, वाक्यों में बैल हो गया, लड़का हो गया, बूढ़ा हो गया, धोबी शब्द क्या है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तथा खा वर्ग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो गाय है, ठीक है, लड़की है, बुढ़िया है, और क्या है, धोबिन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, स्त्री जाति का बोध करा रही है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला है कावर के शब्द पुल्लिंग और गावर के शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिसाइड किया गया है इसके माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा अच्छी लगा के या मेरा मेरी लगा के क्या कर सकते हैं, स्त्री जाति और पुल्लिंग जाति का
बोध कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्या है, आप क्रिया के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, शब्द की पहचान कर सकते हैं कि शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ठीक है, अगर हम बात करें लिंग के भेद की, तो लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के भेद की अगर हम बात करें तो लिंग के हिंदी में जो भेद हैं कितने होते हैं, कुल दो भेद होते हैं। कौन कौन सा, अगर हम पहले की बात करें तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, दूसरा आपका स्त्री लिंग होता है। ठीक है, तो पुल्लिंग क्या होगा, पुरुष जाति की बोध कराएगा, किसकी बात करेगा, पुरुष जाति का बोध करता है। ठीक है, तो पुरुष जाति का अगर बोध कराने वाले शब्द हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्री जाति का बोध कराने वाले, स्त्री जाति का बोध कराने वाले क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो दो लिंग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, एक तो पुल्लिंग हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, स्त्री लिंग हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, पुरुष जाति का जो बोध कराएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे, पुरुष जाति का जो बोध कराएंगे। ठीक है, जैसे कवि क्या कर रहा है, कविता लिख रहा है, कवि क्या कर रहा है, कविता लिख रहा है। यहाँ पे लिखने की क्रिया किसके द्वारा हो रही, कवि के द्वारा हो रहा है, और यहाँ पे कवि के द्वारा कविता लिखी जा रही, तो यहाँ पे देखिएगा रहा है किससे संबंध है, किससे, आपके कवि से। ठीक है, तो कवि कविता क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो आपका कौन सी जाति हो जाएगी, पुरुष जाति हो जाएगी। सुनार आभूषण बना रहा है, रहा है, ठीक है, क्रिया से आप पहचान सकते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, ठीक है, लड़का बाग में क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो यहाँ से भी पहचान कर सकते हैं। और आपको पता है कवि है, सुनार है, अध्यापक है, और लड़का क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, ऐसे भी पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो नियम हैं उनसे हम पहचान सकते हैं। जैसे बंदर केला खा रहा है, ठीक है, अगला है इन उपयुक्त वाक्यों में कवि हो गया, सुनार है, अध्यापक, लड़का, और क्या कर रहा है, बंदर शब्द पुल्लिंग है, क्योंकि ये सभी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अगला बात करेंगे स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जहां पे पुरुष जाति के बोध हो रहा था वहां पे क्या होंगे, वो शब्द पुल्लिंग होंगे। ठीक है, इनके आगे क्या है, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी लगा के, या फिर इनकी क्रिया के माध्यम से हम इनकी पहचान कर सकते हैं, अपना सेंटेंस बना के भी हम क्या कर सकते हैं, लिंग इसकी लिंग की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, बकरी घास खा रही है, तो यहाँ पे देखिए कर रही है, क्रिया है। ठीक है, तो बकरी क्या कर रही है, घास खा रही है, तो यहाँ पे क्रिया किससे संबंधित है, बकरी से है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, खा रही है, खाने का काम कर रही है, और यहाँ पे क्या है, रही है, क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्री खाना बना रही है। ठीक है, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, मालिन माला गोथ रही है, और यहाँ पे क्या, कन्या फूल चुन रही है। ठीक है, ये थोड़े थोड़े बेसिक नियम है, और इन्हीं के माध्यम से अभी क्या होगा, हम थोड़ा सा एडवांस में सीखेंगे। अगला क्या है, जैसे उपयुक्त वाक्य में बकरी हो गया, स्त्री हो गया, मालिन, और क्या कन्या, क्या है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः यहाँ पे क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के प्रमुख नियम है, क्या नियम है, जैसे हम बात करेंगे क्या अकारांत और क्या है, अकारांत और आकारांत, क्या है, अकारांत और आकारांत शब्दों के अंतिम में आ या आ को ई कर देने से क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे गधा है, क्या है, आकारांत है, क्या है, आकारांत है, तो आकारांत में हमने क्या कर दिया, ई लगा दिया गया, इकारांत कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो गधा है पुल्लिंग, यहाँ पे देखिएगा गधा है तो गधी हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा, नाना है तो नानी हो जाएगा, मामा है तो मामी हो जाएगा, ठीक है, चाचा है तो चाची हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा लड़का से क्या होगा, अकारांत है, क्या है, आकारांत है, ठीक है, आकारांत में क्या कर दिया हमने, इकारांत कर दिया, लड़की हो गया। गोप है तो क्या हो जाएगा, गोपी हो जाएगा। घोड़ा का क्या कर दिया हमने, घोड़ी कर दिया। मामा का क्या हो गया, मामी हो गया। बकरा का क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। भतीजा का भतीजी हो जाएगा। देव का क्या हो जाएगा, देवी हो जाएगा। मुर्गा का क्या हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा। ठीक है, तो आ शब्द, ठीक है, अकारांत या फिर आकारांत, आ या दीर्घ आ अगर किसी शब्द के अंत में है, क्या है, अंत में है, तो अंत वाले शब्द को हम क्या कर देंगे, दीर्घ ई में परिवर्तन कर देंगे, और दीर्घ ई में परिवर्तन करके हम क्या करते हैं, पुल्लिंग से क्या करते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। क्या करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं, कह रहे हैं कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, ईया कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आ के स्थान पर ईया कर देते हैं। जैसे क्या है बताइएगा, तो आ के स्थान पे ईया कर देते हैं, जैसे पुल्लिंग शब्द है और क्या है, इधर स्त्रीलिंग बनाया गया है। देखते हैं क्या है, जैसे कुत्ता शब्द है, क्या है, आकारांत है, आकारांत है लास्ट में, तो क्या बन दिया, ईया प्रत्यय लगा दिए, तो क्या होगा, कुत्ता में ईया प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कुतिया बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, चिड़ा है, चिड़ा में क्या कर देंगे, ईया प्रत्यय लगा देंगे, चिड़िया हो जाएगा। बूढ़ा में हम क्या किया, ईया प्रत्यय लगा दिया,
बुढ़िया हो गया, गुड्डा में क्या किया गुड्डा गुड़िया हो गया, डिब्बा में क्या कर दिए या प्रत्यय लगा देंगे डिबिया हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक की कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। डिब्बा में क्या हो गया डिबिया हो गया, लोटा में या प्रत्यय लोटा लोटिया हो गया, चूहा में या प्रत्यय लगा दिया चूहा हो गया, बेटा में या प्रत्यय लगा दिया क्या हो गया बिटिया हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को इन कर देने से क्या हो जाता है स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, जैसे व्यवसाय वाचक हो गया, जैसे क्या है कोई व्यवसाय करता है, जैसे कहार है गया, तो कहार क्या है एक व्यवसाय की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे ग्वाला है तो ग्वालन मतलब जो दूध देने वाले दूध बांटने जाते हैं या फिर दूध से रिलेटेड काम करते हैं, जुलाहा हो गया तेली हो गया। ठीक है, तो ये क्या है व्यवसाय है और इसमें क्या कर देते हैं हम इनको क्या कर देते हैं बताइएगा, इनको हम क्या कर देते हैं इन प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे क्या है कहार है, कहार में हमने इन प्रत्यय लगा दिया कहारिन हो गया। अगला क्या है जुलाहा है, ठीक है ग्वाला में हमने इन प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा आपका ग्वालिन बन जाएगा, ग्वाला में इन प्रत्यय लगा दिया ग्वालिन बन जाएगा, जुलाहा में इन प्रत्यय लगा देंगे क्या हो जाएगा जुलाहिन हो जाएगा, तेली में इन प्रत्यय लगा देंगे क्या हो जाएगा आपका तेलिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए धोबी में हमने क्या किया इन प्रत्यय लगा दिया तो क्या बनेगा आपका धोबिन हो जाएगा, सुनार में इन प्रत्यय सुनारिन हो जाएगा। अगला क्या है दर्जिन, ठीक है लुहारिन, ठीक है हलवाई में हमने लगा दिया हलवाइन हो जाएगा, नाई में इन प्रत्यय लगा दिया नाइन हो जाएगा। ठीक है, ठठेरा में इन प्रत्यय लगा दिया ठठेरिन हो जाएगा, और क्या है आपका माली में इन प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा मालिन बन जाएगा। तो यहां से जो प्रश्न बन जाता है कि पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगाने से क्या होगा इसका स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, तो या उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है और क्या है यहाँ पे लिंग से संबंधित भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सभी टॉपिक लगभग आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे से सभी चीजों को सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कुछ संज्ञा शब्द होते हैं अंतिम स्वर के स्थान पर आनी प्रत्यय लगा देने पर क्या बन जाता है आपका स्त्रीलिंग बन जाता है। तो पुल्लिंग शब्द है, जैसे क्या है पुल्लिंग शब्द में इंद्र है तो इंद्र में हमने क्या किया आनी प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा इंद्राणी बन जाएगा। ठीक है, मुगल में है तो आनी प्रत्यय लगा देंगे मुगलानी हो जाएगा। अगला क्या है पठान है, पठान से क्या हो जाएगा पठानी हो जाएगा। सेठ है मास्टर है तो मास्टरानी हो जाएगा, सेठ है सेठानी हो जाएगा। ठीक है, चौधरी है चौधरानी हो जाएगा, देवर है क्या हो जाएगा देवरानी हो जाएगा। अगला क्या है भव है भवानी हो जाएगा, वरुण है वरुणानी हो जाएगा, बेहतर है मेहतरानी, नौकर है नौकरानी, सेठ सेठानी, रुद्र रुद्रानी, जेठ जेठानी, है ना। अगला क्या है कुछ संज्ञा शब्दों में हम क्या करते हैं उपजाति उपजातिवाचक शब्दों को अंतिम स्वर के साथ में के स्थान पर आयन लगाने पर क्या होता है आयन लगाने पर स्त्रीलिंग हम बना देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, जैसे हमने क्या किया अकारांत संज्ञा शब्द के अंत में नी लगाने से क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग बन जाएगा। चलिए देखते हैं आयन, जैसे क्या है गुरु है तो गुरु में क्या करेंगे हम गुरुआइन हो जाएगा, ठाकुर में हमने आयन प्रत्यय लगा दिया ठाकुराइन हो जाएगा। अगला क्या है दुबे में क्या हो जाएगा दुबाइन हो जाएगा, चौबे में चौबाइन हो जाएगा, पंडित में आयन प्रत्यय लगा देंगे पंडिताइन हो जाएगा। अगला क्या है बनिया में आयन प्रत्यय लगा देंगे बनियाइन हो जाएगा, ना पहनने वाली नहीं लेकिन बनियाइन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है ऊंट मतलब क्या हो जाएगा ऊटनी। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ में क्या कर देते हैं नी प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, भाट में भाटनी, सिंह में सिंहनी, जाट में जाटनी, बाघ में बाघनी, शेर में शेरनी, हंस में हंसनी, मोर में मोरनी। ठीक है, अगला क्या है कुछ शब्दों के अंत में हम ई के स्थान पर इनी कर देने पर। ठीक है, ई के स्थान पे हम इनी कर देते हैं, जैसे स्वामी है तो स्वामी के ई के स्थान पे हम क्या कर देंगे ई के स्थान पे हम क्या कर देंगे इनी कर देंगे, क्या कर देंगे इनी स्वामिनी हो जाएगा। मंत्री में क्या हो जाएगा मंत्रिणी हो जाएगा, हाथी में क्या हो जाएगा हाथनी हो जाएगा हथनी हो जाएगा, एकाकी में क्या हो जाएगा एकाकिनी हो जाएगा, तपस्वी में क्या किया है ई प्रत्यय को हटा ई को हटा के क्या कर देंगे यहाँ इनी प्रत्यय लगा देंगे। ठीक है, अगला क्या है कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आन आन है वान है इनके स्थान पर हम क्या कर देते हैं अति और वती लगा देते हैं। जैसे क्या है गुणवान है तो क्या हो जाएगा वती लगा देंगे गुणवती हो जाएगा, भाग्यवान है तो भाग्यवान में क्या कर देते हैं अति लगा देते हैं तो क्या हो जाता है भाग्यवती हो जाता है। अगला क्या है विद्यावान है तो विद्यावती, धनवान से धनवती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, श्रीमान से श्रीमती। तो इस प्रकार से क्या करते हैं मति और अति लगा देते हैं तो क्या हो जाता है आपका मति और वती लगा देते हैं तो स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बुद्धिमान से बुद्धिमती हो जाता है, श्रीमान से श्रीमती हो जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में हम अक लगा देते हैं, अक के स्थान पे इका कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है अध्यापक है। ठीक है, तो अध्यापक के अक यहाँ पे लास्ट में प्रत्यय क्या है अक है तो इसको परिवर्तन कर देते हैं इका में तो क्या बन जाता है स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है अक है तो क्या हो जाएगा अध्याप
अध्यापक है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा। गायक है तो अक प्रत्यय को किसी में परिवर्तित कर देते हैं, इका में कर देते हैं, गायिका हो जाएगा। बालक में इका में बालिका हो जाएगा। पाठक में क्या हो जाएगा, पाठिका हो जाएगा। अगला क्या है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ लगा कर भी स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे क्या है प्रिय, तो प्रिय में आ प्रत्यय लगा देंगे प्रिया हो जाएगा। शूद्र में क्या हो जाएगा, शूद्रा हो जाएगा। सुत में जैसे आपका पुत्र होता है सुता हो जाएगा, ठीक है। बाल में क्या हो जाएगा, बाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसमें क्या होता है, कुछ शब्दों में आ प्रत्यय लगाने से भी क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। अगला कह रहा है कुछ शब्दांश शब्दों में स्त्रीलिंग में बिल्कुल भिन्न रूप होते हैं, जैसे क्या है उसका, तो क्या हो जाएगा, उसकी हो जाएगा। नीचा का क्या हो जाएगा, नीची है। काला क्या है, काली है। बड़ा क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न रूप से बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं, जिन शब्दों में लिंग भाषा में निश्चित नहीं होते उनके आगे नर अथवा मादा शब्द लगाने से क्या हो जाता है, लिंग निर्धारित हो जाता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी क्या है लिंग भाषा में निश्चित नहीं होते हैं, तो उनके स्थान पर क्या होगा, हम नर या मादा लगा देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्या है, वचन, ठीक है। तो वचन को हम लोग देखते हैं, वचन में क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वचन। यानी कि कोई शब्द है उससे क्या है पता चलता है हमें कि वो एक की वस्तु है या अनेक वस्तु है, या किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। तो हिंदी में वचन जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन से, एक वचन और कितने हैं, दो वचन। कौन सा, एक वचन और क्या है, दो, बहुवचन, या फिर इसे हम द्विवचन, सॉरी एक वचन और क्या, बहुवचन। एक वचन की बात करें, जिस शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक वचन, एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का है, पतंग है, बालक है, औरत है, क्या है, यहाँ पे एक की बात हो रही है, एक लड़का है, पतंग है, इसकी बात हो रही है। तो यानी कि शब्द से हमें एक किसी इस शब्द के से क्या है, उस वस्तु की एक होने की बात हो रही है, ठीक है, एक होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अगला क्या है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। बहुत ज्यादा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, हमेशा किसमें एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, आग है, ठीक है, आग है, और क्या है, आग हो गया, पुलिस हो गया, भीड़ हो गया, दूध हो गया, पानी है, वर्षा है, जनता है, सोना चांदी, प्रत्येक, ठीक है, हर एक आदि जो है ये क्या है, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, इनका बहुवचन नहीं बनता, ठीक है, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुवचन क्या होता है, जिससे क्या होता है, जिस शब्द से क्या होता है, किसी वस्तु के एक से अधिक होने की बात होती है तो वहां पर क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, बहुवचन सदा, फिर यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे क्या है आपका, आंसू हो गया, आंसू हमेशा बहुवचन होता है, होश हमेशा बहुवचन, बाल हमेशा, प्राण जो है हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है, हस्ताक्षर, लोक दर्शन, प्रजा, रोम, ओठ, दाम, अक्षत, ये क्या है, हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो आप इनकी लिस्ट को याद कर लीजिएगा, और ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहे निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। जैसे क्या है, लड़का दौड़ता है, तो लड़का दौड़ता है यहां किसकी बात हो रही, एक लड़के की बात हो रही, दो लड़के की बात हो रही, या अधिक की बात हो रही। तो यहां पर क्या है, लड़का दौड़ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। लड़के यहाँ पे बहुवचन, यानी कि कई लड़कों की बात हो रही, ठीक है। लड़की एक की बात हो रही, लड़कियां क्या है, बहुवचन की बात कर रहा है। गाय एक की बात हो रही, गायें क्या है, बहुवचन की बात हो रही। बालिका क्या है, एक वचन की बात हो रही, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, वचन की पहचान कैसे करें, तो देखते हैं। वचन की पहचान प्रायः संज्ञा अथवा सर्वनाम या विशेषण में से ही हो सकती है। जैसे बिल्ली दूध पी रही है, ठीक है, बिल्लियां दूध पी रही हैं, ठीक है, रही हैं। अगला क्या है, वह खाना खा रहा है, और क्या है, वह खा रहे हैं, ठीक है, वह खा रहे हैं, ठीक है, वे खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा बिल्ली एक वचन है, यहाँ पे संज्ञा क्या है, बिल्लियां, ठीक है। फिर क्या है, वह सर्वनाम है, वे क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्या है, जिन वचन से पहचान संज्ञा सर्वनाम या विशेषण पद से ना लगने पर किया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे हंस उड़ रहा हो, हंस उड़ रहा हो, कनिष्क आज आएगा, वे आज आएंगे, अपनी कहानी सुना रहा है, ठीक है, अपनी कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, हंस उड़ रहे हैं, हंस क्या है, यहाँ पे एक वचन की बात कर रहे हैं। वचन पहचान
ना लगने पर क्रिया से हो जाती है, ठीक है। तो संज्ञा से तो पता लगाते हैं, सर्वनाम और विशेषण पद से तो पता लगाते हैं, साथ में अगर ना होगा तो हम क्या करेंगे, क्रिया से पता लगाएंगे। जैसे हंस क्या है, उड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, रहा की बात हो रही, तो रहा किसकी बात कर रही, एक वचन की, ठीक है। रहे क्या है, बहुत सारे हैं, बहुत हंस उड़ रहे हैं, ठीक है। कनिष्क आज आएगा, तो कहाँ एक वचन की बात हो रही, एक की बात हो रही, ठीक है। आज वे आज आएंगे बहुवचन है। अपनी कहानी सुना रहा है, तो यहाँ पे एक वचन की बात हो रही है, ठीक है, सुना रहा है। वो क्या है, अपनी कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, क्या है, सुना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे 10 लोग क्या है अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो क्या कहेंगे, अपनी कहानी सुना रहे हैं। कुछ शब्द क्या है, तीसरा नंबर कह रहा है, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव क्या है, बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल और क्या है, लोग। ये हमेशा बहुवचन में सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है, कौन सा एकवचन शब्द है, कौन सा शब्द ऐसा है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, कौन सा शब्द ऐसा है जो हमेशा क्या होता है, एकवचन में प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, इनका डिविजन कर सकते हैं। जैसे कह रहे आंसू, कह रहे वहां बैठकर आंसू मत बहाओ, ठीक है। तो आंसू क्या है, हमेशा किसमें प्रयोग होता है, बहुवचन, ठीक है। एक आंसू तो गिरता नहीं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इसलिए बहुवचन। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, तो दर्शन भी क्या होता है, यहाँ पे बहुवचन होता है। प्राण है, उस बेचारे के आज सवेरे ही प्राण निकल गए, तो प्राण भी क्या है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया गया। अब देखिएगा, निकल गए हैं, यहाँ पे क्या है। अगला कह रहा है वैष्णवी के बाल बहुत सुंदर हैं, तो बाल क्या है, बहुत, बाल क्या है, बहुवचन है। लोग तुम्हारे विषय में तरह तरह की बात करते हैं, तो लोग एक की बात नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सदैव एक वचन में प्रयुक्त शब्द कौन कौन से हैं, जैसे जनता हो गया, वर्षा हो गया, पानी हो गया, आग हो गया, पुलिस हो गया, भीड़ हो गया, ये क्या है, हमेशा एक, हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे जनता ने आंदोलन छोड़ दिया, आज वर्षा होगी, उसे पानी पिलाओ, दूध, वह दूध दूध ले आया है, तो दूध भी क्या होता है, हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। वहाँ आग लग गई है, पुलिस क्या है, पुलिस आई है। अगला क्या है, भीड़, वहाँ बहुत भीड़ है, ठीक है, भीड़ का से क्या बनेगा, वहाँ बहुत भीड़ है। तो ये क्या है, कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर हम आ के स्थान पर ए लगा दें, कर देते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे आपका परिवर्तन हो जाता है एक वचन से बहुवचन में। जैसे आँख है, तो हमने क्या किया, अकारांत है, अकारांत है, लास्ट में यहाँ पे आ स्वर आ रहा है, अकारांत है, तो क्या है, यहाँ पे हम ए प्रत्यय लगा, ए लगा देंगे, एक एक का परिवर्तन, आ का परिवर्तन ए में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आ का परिवर्तन ए में कर देंगे, बहुवचन बन जाएगा। जैसे भैंस है, तो भैंस में क्या करेंगे, ए लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, भैंसे बन जाएगा। अगला क्या है बताइएगा, बात है, बात में हमने क्या किया, आज से क्या कर दिया, ए में परिवर्तन कर दिया, बातें हो जाएगा। गाय में आज से क्या कर देंगे, ए कर देंगे, गाय हो जाएगा। सड़क से सड़के हो जाएगा, ठीक है, रात से रातें हो जाएगा। अगला क्या है, पुस्तक से पुस्तके हो जाएगा। अगला क्या, बहने हो जाएगा, ठीक है, बहने हो जाएगा। साइकिल से क्या हो जाएगा, साइकिलें हो जाएगा। तो ये क्या है, बहने, साइकिलें, पुस्तके, रातें, सड़के और क्या है, गायें, ठीक है, गायें और क्या हो जाएगा, बातें हो जाएंगे, ठीक है, बातें हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, बात से बातें, ये क्या हो जाएंगे, आकारांत का किसमें परिवर्तन, ए में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या है, आ के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ए कर देने पे बहुवचन बन जाता है। जैसे रुपया है, आकारांत, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, आकारांत, ठीक है, तो रुपया है, तो क्या बन जाएगा, रुपये हो जाएगा। अगला क्या है, पंखा है, तो क्या हो जाएगा, पंखे हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा से क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा। काला से क्या हो, ठीक है, केला से क्या हो जाएगा, केले हो जाएगा, तो बहुवचन बन जाएंगे। अगला क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग पदों के अंत में आ आने पर ए में परिवर्तन कर देते हैं। अगर स्त्रीलिंग होगा, तो अभी हम क्या कर रहे थे, ए में कर रहे थे, अगर स्त्रीलिंग होगा तो ए के साथ में चंद्रबिंदु प्रयोग कर लेते हैं। ए के साथ में किसका प्रयोग कर लेंगे, चंद्रबिंदु का प्रयोग हम कर लेंगे। जैसे अध्यापिका है, तो क्या हो जाएगा, अध्यापिका ए हो जाएगा। महिला है, तो क्या हो जाएगा, महिलाएं हो जाएगा। कन्या से क्या हो जाएगा, कन्याएं हो जाएगा। माता से क्या हो जाएगा, माताएं हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। लता से क्या हो जाएगा, आपका लताएं। अगला क्या है, सेना, तो सेना क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग और क्या है, अकारांत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेनाएं हो जाएगा। कला से क्या हो जाएगा, कलाएं, ठीक है। कविता से कविताएं, शाला से शालाएं, बाला से बालिका बालाएं, कथा से कथाएं, आचार्य से क्या हो जाएगा, आचार्याएं, यहाँ पे आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में
आ के स्थान पर आ कर देने पर क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन बन जाता है। जैसे क्या है आरती, तो क्या हो जाएगा आरतियां हो जाएगा, टोकरियां हो जाएगा, ठीक है। और क्या है टोपी से क्या हो जाएगा, टोपियां हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे दासी से क्या हो जाएगा, दासियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा दासियां हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दासियां हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है नीति से क्या हो जाएगा, नीतियां हो जाएगा, साली से क्या हो जाएगा, सालियां, गाड़ी से क्या हो जाएगा, गाड़ियां हो जाएगा, पहेली से पहेलियां, ठीक है। गाली से क्या हो जाएगा, गालियां, ककड़ी से ककड़ियां, कली से कलियां, और क्या है नारी से नारियां। अगला है कुछ अकारांत शब्दों के अंत में क्या करते हैं, अनुनासिक लगाने पर क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे क्या है गुड़िया, गुड़िया में क्या किया अनुनासिक लगा दिया हमने, अनुनासिक अनुस्वार आपको बता चुके हैं वर्णमाला वाले टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा गुड़िया, चिड़िया से चिड़िया, डिबिया से डिबिया, खटिया से खटिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे जन है, लोग हैं, वृंद है, वर्ग है, और क्या है दल है, तो आदि का आदि को हम लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, ठीक है। जैसे क्या है सेना, तो सेना दल हो जाएगा, सेना दल हो जाएगा, अतिथि गढ़ हो जाएगा, नारी वृंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा नारी वृंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ लेता है सेना से, पूछ लेता है कि सेना में क्या होता है, दल होता है, सेनागढ़ होता है, या फिर अतिथिगढ़ होता है, या अतिथि दल होता है, या अतिथि वृंद होता है।